तो टॉपिक आप जैसे देख रहे हैं आज हमारा इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था हमारे कोर्स का uh, वो हमने गुजार दिया हुआ है जिसमें हमारी फैमिलिस मीडिया थ्योरी थी फेमिनिजम था थ्री फोर वेज ऑफ फेमिनिज़म हमने देखी और फिर जो इससे पहले हमने टॉपिक कवर किया है वो था हमारा जेंडर रेस एंड क्लास इन मीडिया फ्राम द प्रस्पेक्टिव ऑफ़ कल्चरल स्टडीज़ और उसमें हमने फिर मीडिया थ्योरी को भी थोड़ा डिस्कस किया मीडिया थ्योरी के साथ हमने जो की कॉन्सेप्ट थे उनकी बात की की कॉन्सेप्ट के बाद हमने uh, जो एक्डेमिक डिस्कोर्स था वो बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया मैंने आप लोगों को पूरा मौका दिया कि आप उसके अंदर डिसकोर्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रजेंट uh, करें और साथ साथ ये भी देखें कि एक्चुअल डिस्कोर्स है क्या जिसको दुनिया में आ, बड़ा आ, बहुत पजीराई मिली है और जो कि एक्चुअल डिस्कोर्स इन ए वे के, in, in के आ, उस पर बिलीव किया जाता है इट्स नॉट समथिंग कि किसी ने कोई बात कह दी और दूसरे बंदे ने आ, <coughs> उसको वैसे ही रद्द कर दिया तो वो ऐसी चीज़ नहीं है इट्स एक्डेमिक डिस्कोर्स दैट हैज़ कम आउट आफ्टर ए थॉरो रिसर्च Process. Uh, so it took like uh, uh, years of years of efforts of uh, from the uh, social scientists who have seen that particular topic from different angles and from different dynamics and different um, uh, cultural perspectives and etc. Uh, etc. So uh, right now we are standing at a position where now we can discuss gender. Uh, representation in Pakistani media. So, this topic uh, will uh, primarily fo focus more on the Pakistani media, and then uh, we will definitely talk about uh, Pakistani media uh, not only from the uh, televisions or electronic media, but uh, we will start from the magazines and print media first because the uh, print is considered as the basis of uh, media and uh, in print, then we know that there are multiple uh, formats of uh, print media uh, uh, that include newspapers and uh, magazines, digests, or uh, hai included in media. so <coughs> it's a pretty easy topic, uh, but it's very important in the sense that it gives us uh, uh, basis for uh, contextualizing our own culture and then how uh, media is uh, basically picking out things that already exist in our culture uh, whether uh, right or wrong so hamare jabi human basis way of human values ki baat karte from uh, uh, while living in, in a uh, specific set of uh, uh, कॉन्टेक्ट्स और कल्चर्स सो किसी भी कल्चर की आप बात कर ले बहुत इम्पॉटेंट जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो रिवॉल्व करती हैं हमेशा आइधर गुड और बैड राइट और रॉन्ग इस तरह की चीज़ों पे, कि दो एक्सट्रीम एंड्स हैं हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ uh, के uh, और दे आर द बेस फॉर एनी कल्चर वेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट और स्टडिंग अबाउट द ह्यूमन वैल्यूज़ कि हमेशा हम देखते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है हमेशा हर चीज़ की दो साइड्स होती हैं uh, एक ब्राइट साइड्स होती है और एक डार्क साइड होती है जिसको हम नेगेटिव्स uh, भी, भी कह सकते हैं और पॉजिटिव्स भी कह सकते हैं ठीक हो गया तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि मीडिया की डार्क साइड्स क्या हैं व्हेन इट कम्स टू पोर्ट्रेइंग जेंडर वैन इट कम्स टू पोर्ट्रेइंग विमेन पर्टिकुलरली चूंकि ये जेंडर है वैन वी टॉक अबाउट जेंडर सो वी आर मोस्टली टाकिंग अबाउट वेमेन ठीक है ना फेमनिस्ट लेंज से हम चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं बट दैट डजेंट मीन दैट वी आर एक्सक्लूडिंग मैन वैन वी आर डिस्कसिंग विमेन सो डेफिनेटली मैन इज ऑल्सो डिस्कसड इन पैरल ठीक है और उसके बहुत सारी जो अगर हम मेन को डिस्कस ना करें तो विमेन को हम विमेन का जो साइड है मीडिया के अंदर जेंडर के हवाले से वो हम पूरी तरीके से स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि हमें बहुत सारी जगहों पर कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ता है मेन एंड वुमेन के दरमियान ठीक है बट आपको फिर भी कभी शायद फील हो कि इस सब्जेक्ट में ज़्यादा विमेन की बात होती है

और बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जेंडर के अंदर जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत सारे और भी कलर्स एंड शेड्स मौजूद हैं तो उन वो वो शेड्स एंड कलर्स काफ़ी देर बाद इंट्रोड्यूस हुए हैं तो वो उसको डिफरेंट और थ्योरीज के तहत कवर किया जाता है जैसे कि कोयर थ्योरी का हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा वो जो सेक्शुअल के लोग हैं उसके हवाले से ज़्यादा <coughs> उसको अप्लाई करते हैं क्वेर थ्योरी को ठीक है जी तो ये हमारे बेसिक जो है ना इसका कोर्स का आ, मैं बार बार आपको इसलिए याद दिला देता हूँ क्योंकि पाज का फील करते हैं खुदा लड़के बैठे हुए क्लास के जैसे इस सब्जेक्ट में मैन को एक्सक्लूड कर दिया गया है ऐसी हरगिज बात नहीं है ठीक है जी चूँकि जेंडर का कोर्स है तो मेन ज़्यादा फोकस जो है फैमिली थ्योरी का वो सारा का सारा वेमेन के ऊपर है तो देख लेते हैं कि जेंडर रिप्रजेंटेशन इन पाकिस्तानी मीडिया है क्या हम ब्रॉड थोड़ा सा स्टार्ट ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे थोड़ा इन जनरल कॉन्टेक्स्ट के इसका इंट्रोडक्शन है क्या जब भी हम बात करते हैं जेंडर रिप्रजेंटेशन की तो उसका क्या मतलब होता है <coughs> तो मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं जो कि मैंने लिस्ट डाउन किए हैं आप को स्लाइड के ऊपर नज़र भी आ रहे होंगे पहला पॉइंट है कि मैथ मीडिया री जेंडर वर्ल्ड व्यू ऑफ सोसाइटी जेंडर वर्ल्ड व्यू ऑफ सोसाइटी का क्या मतलब है कोई थोड़ा सा इस पर एक्सप्लन uh, करना चाहेगा uh, थोड़ा सा स्ट्रेस करें इस लाइन के ऊपर मास मीडिया री इन्फोर्सेज जेंडर्ड वर्ल्ड व्यू ऑफ सोसाइटी मास मीडिया री इन्फोर्सेज इसका मतलब है कि मास मीडिया एक चीज़ को uh, एक चीज़ को जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसको दिखा रहा है ठीक है और वो उस पर जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कि वो उसको री करता है दैट मीनस कि कुछ जो जेंडर्ड जो वर्ल्ड व्यू है सोसाइटी का वो क्या है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है तो वर्ल्ड व्यू ऑफ सोसाइटी जो जेंडर का है वो ये है जेंडर्ड मीन के वेमेन का तो वेमेन का जो वर्ल्ड व्यू दुनिया में ज़्यादातर जो वेमेन के बारे में हमारी सोसाइटीज़ के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्ट करता है या जो रोल्स हमने असाइन कर दिए हैं वेमेन को वो बड़े गिने चुने हैं अगर हम ज़्यादा पीछे चले जाएं हिस्टोरिकली हम इसको स्टडी करें तो देन यू विल सी दैट वी जो परफेक्ट वुमेन वाला हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि पुराने ज़माने में परफेक्ट वुमेन का uh, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था चाहे वो यूरोप है चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड है चाहे वो हमारा पाकिस्तान है साउथ एशिया है या कोई भी सोसाइटी uh, आप ले लें तो वहाँ पर जो परफेक्ट वमेन का एक एक जो इमेज था या उसके बारे में एक जो राय थी वो ये थी कि वो घरदारी ज़्यादा करेगी और उसकी जो परफेक्टनेस है वो जोड़ दी गई थी वुमेन मैन की सेटिसफेक्शन के साथ कि जो उसका मर्द है वो उसे सेटिस्फाई होगा तो दैट वुमेन इज़ परफेक्ट ठीक है ना तो ये ये हमारा एक पुराना एक स्कूल ऑफ थाट था लेकिन फिर हमने देखा कि आजकल के दौर में ये काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं हमने इसमें बड़ी डिटेल में पिछले लेक्चर में बात की थी ठीक है तो लेकिन इसका मतलब ये कि मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया वो पुराना स्कूल स्कूलोत्थान अभी भी बहुत सारी जगहों पर एग्जिस्ट करता है बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत पीछे हैं इस हवाले से हम मैं कहूँगा अपने मुल्क के बारे में कि वी आर वी आर समवेयर इन बिटवीन के अभी हम हमें और कुछ थोड़ा टाइम लगेगा कि हम प्रॉपर तरीके से जो एक शिफ्ट आना है जो कि पुराने एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है स्कूल ऑफ थॉट है उसमें और जो कि मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट है उसके uh, उस, उस उसमें जो हमारे ट्रांजिशन हम आई वी आर राइट नाउ इन द ट्रांज़िशन ठीक है देखिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं हमारा जो वर्ल्ड व्यू है जेंडर वर्ल्ड व्यू वो बहुत uh, uh, हद तक चेंज हुआ है ठीक है तो लेकिन जो चीज़ें बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर और जिसकी तरफ इस पॉइंट के अंदर इशारा किया गया है दे आर अबाउट द स्टीरियोटाइप्स स्टीरियोटाइप्स जो कि वेमेन के हवाले से हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं वही मीडिया मैस मीडिया उसको री इन्फोर्स करता है ये आर्ग्यूमेंट है बेसिकली और वेमेन के हवाले से या जेंडर के हवाले से जो स्टीरियोटाइप्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर वो क्या हैं हम सबको पता है वही आपने कहा कि डेलीकेसी ठीक है वही आपने कहा कि उसकी खूबसूरती और उसके जो जो उसके आउटर अपियरेंस है उस, उस उसकी ब्यूटी और उसकी ऑब्जेक्टिफिकेशन और कुछ रोल्स जो हमने वेमेन के साथ असाइन कर दी हैं वो 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 यही हैं कि जो वमेन है वो घर में रहेगी घर के मामलों को देखेगी और डिपेंडेंट रहेगी वो मर्द के ऊपर इकनॉमिकली Uh, और एट्सट्रा uh, एट्सट्रा बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे जाके बात करेंगे तो ये जेंडर वर्ल्ड व्यू है सोसाइटी uh, के अंदर स्पेशली वेमेन का ठीक है फिर वो बात कर रहा है न्यूज़पेपर्स रेयरली हाईलाइट एंड रिपोर्ट वेमेंस न्यूज़ एंड देयर सक्सेसेस ठीक है ना वो कह रहे हैं कि जो अमूमन जो न्यूज़पेपर है अगर चाहे वैसे थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि न्यूज़पेपर हम समझते हैं कि बिल्कुल इरेलीवेंट हो गए बिल्कुल चूँकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है हम ज़्यादातर जो न्यूज़ है वो एक्सेस करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर इंटरनेट के थ्रू और बहुत हद हुई तो टीवी के सामने बैठ जाएंगे तो शायद अखबार बिल्कुल ख़त्म हो गए लेकिन ऐसी बात नहीं है बहुत सारा अभी अभी ऐसे लोग हैं ना किसी भी सोसाइटी के अंदर आ, उसकी जो पॉपुलेशन है उसका उसको आप डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं एज वाइज जेंडर वाइज क्लास वाइज़ और और बहुत सारे इस तरह के एथरिस्टी वाइज ठीक है ना और फिर एक जो बहुत इम्पॉटेंट चीज़ है जो कि मीडियम के सिलेक्शन में मदद देती है और जो कि बहुत इम्पेक्ट करती है कि किसी भी मीडियम को कैसे आवाम ज़्यादा प्रेफर करते हैं या उसको आ, एक मीडियम को दूसरे के ऊपर तरजीह देते हैं वो उनकी एजुकेशन लिट्रेसी रेट होता है अगर मैं कहूँ कि मेरा जो छोटा भाई है वो भी उसी यूथ से बिलोंग करता है जिससे आप लोग या मैं 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 खैर थोड़ा सा आपसे बड़ा हूँ लेकिन मेरा छोटा भाई जो शायद आपकी उस एज ग्रुप से बिलोंग करता होगा उसको भी बहुत सारी ऐसी ही चीज़ों का एक्सपोजर होगा जिस जिस जिन चीज़ों का आपका एक्सपोजर है लेकिन मैं अगर कहूँ कि यार वो उतना लिटरेट नहीं है जितने आप लिटरेट हैं तो क्या उसकी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए जो मीडियम का सिलेक्शन है उसमें Uh, उसकी लिटरेसी कितना इम्पेक्ट करेगी तो मैं मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा करती है ठीक है वो इतने अच्छे तरीके से हो सकता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल ना जानता हो जितने अच्छे तरीके से आप जानते हैं उसको इस डायनेमिक्स का ना पता हो कि एप्लीकेशंस uh, की सेलेक्शन कैसे करनी है एप्लीकेशन्स पर जाकर आप जहरी बात है आपकी लिटरेसी रेट अच्छा है लिटरेसी अच्छी है यू कैन रीड एंड राइट वेरी वेल दैन डेफिनेटली यू वेल ऑल्सो गो फॉर डिफरेंट इंटरनेशनल न्यूज़ मैगज़ीन्स अवेलेबल ऑनलाइन जैसे गार्डियन ठीक है या टेलीग्राम या फॉरेन पॉलिसी या फ्रोब्स तो बहुत 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 सारे और इस तरह की चीज़ें हैं लेकिन अगर एक ऐसा बंदा जिसकी लिटरेसी रेट अच्छा नहीं है जिसको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता तो वो उसकी सिलेक्शन हो सकता है कि न्यूज़ को हासिल करने के लिए वो टीवी के सामने बैठ जाए या फिर यूट्यूब पे उर्दू प्रोग्राम वो ढूंढे ठीक है उसकी इतनी ही सिलेक्शन या फिर फेसबुक के ऊपर अपनी ही टाइमलाइन के ऊपर जिन लोगों को उसने फ्रेंड अपने रिक्वेस्ट में डाला होगा उनकी चीज़ें जो शेयर होती है वही मोड़ मोड़ के उसको उससे उसका एक्सपोजर होगा लेकिन वो डिफ़रेंट वैरायटी ऑफ न्यूज़ सोर्सेज से इतना ज़्यादा आगाह ना हो शायद ठीक है तो इसलिए जो लिटरेसी रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कौन सा मीडियम सेलेक्ट कर रहे हैं पॉइंट यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि जो न्यूज़पेपर हम समझते हैं कि uh, शायद आउटडेटेड हो गया है या नाउ दे हैव बिकम हिस्ट्री सो इट्स अगेन रॉन्ग अ लॉर ऑफ वीमेन हु आर स्टिल एजुकेटेड वेल एजुकेटेड आई वुड से बट दे प्रेफर मैगज़ीन्स कॉपी बैक जो मैगज़ीन्स uh, होती हैं उनको वो प्रेफर करती हैं क्यों क्योंकि वो uh, बहुत ज़्यादा शौक़ीन है फैशन uh, की एंड दे वुड लव टू कीप सर्टन पिक्चर्स और सर्टन पेजेस ऑफ़ मैगजीन क्योंकि इट्स वेरी इजी टू कि आपके पास आप मैगजीन है यू कैन ऑफ द पेज एंड लाइक यू कैन कीप इट इन योर पर्स एंड देन वेर एवर यू वुड नीड टू बाई अ सर्टन प्रोडक्ट यू यू कैन रेफर टू दैट ठीक है ना इट्स वेरी ईजी फॉर दैम के हर वक्त इंटरेक्ट भी तो आपको आपके पास अवेलेबल नहीं होता ना और फिर इंटरनेट के ऊपर भी अगर आपने मैगज़ीन को एक्सेस करना है सुनाओ इट्स अगेन के चीज़ें जो पहले फ्री हुआ करती थी इंटरनेट के ऊपर अब वो ऐसा ऐसा फ्री नहीं हो अब क्योंकि अब इन्होंने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है तो वो अब मोनेटाइजेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी है अपने के uh, क्योंकि ज़्यादा फिज़िकल uh, जो उनके जो जो मैगज़ीन्स हैं वो ज़्यादा नहीं बिके तो Uh, उसके अल्टरनेट उनके पास सब्सक्रिप्शन uh, का एक पूरा प्रोसीजर uh, मौजूद है जिसके अंदर वो सब्सक्रिप्शन uh, अपनी जो है वो से, स, uh, जो सेल करते हैं और ताकि लोग उसको uh, अगर किसी ने एक्सेस करना है तो वो फ्री में एक्सेस ना करें ताकि चूँकि वो वो भी एक इंडस्ट्री है ना तो उन्होंने अपना तो बिज़नेस चलाना ही चलाना है तो आई मीन डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स हैं हमेशा दोनों चीज़ों के लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी प्रेफर करते हैं जो न्यूज़पेपर या कॉपी बैग मैगज़ीनस होते हैं उनको वो, वो उनको परचेज़ करते हैं तो इस इसलिए हम हम ये चीज़ बिल्कुल जैसे हमें निकाल देनी चाहिए कि बिल्कुल इरेलीवेंट हो गए न्यूज़पेपर या, या मैगजीन्स ये गलत बात है अभी तक बहुत सारी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है खूस एल्डरली पीपल दे स्टिल रेफर टू न्यूज़ तो फिज़िक न्यूज़ पेपर रेयरली रेयरली हाईलाइट एंड रिपोर्ट वेमेन न्यूज़ इन देस एंड देयर सक्सेस कि न्यूज़पेपर uh, जो है वो विमेन को जब भी दिखाएंगे तो वो बहुत कम उनकी सक्सेसेस के ऊपर बात करेंगे ज़्यादा ज़्यादा विमेन को दिख अगर दिखा रहे होंगे तो वो उ, उन उन्हीं की वही चीज़ें कि उनकी जो एक ग्लैमरस पार्ट है उनकी ब्यूटी है उनकी ऑब्जेक्टिफिकेशन है ये सारी चीज़ें उनकी ये प्रेफरेंस uh, uh, होती है ताकि क्योंकि वो हमने डिस्कस किया था ना कि uh, जो कंज्यूमर सोसाइटी होती है उस उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं क्यों इस तरह वो ये चीज़ें करते हैं इस तरह की जिसमें वेमेन का सिर्फ ब्यूटी को ही हाईलाइट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को वेमेन के वेमेन की बॉडी के साथ टैग किया हुआ है ठीक है तो वो समझते हैं कि जो है ना वेमेन की बॉडी के साथ हमारी कोई भी प्रोडक्ट बिक सकती है और

इश्यू होता है अगर आप देख लें कि आज तक नोबेल प्राइज कितनी परसेंट परसेंट वेमेन को मिला है और कितने परसेंट मैन को मिला है तो आपको इतनी ज़्यादा तादाद में वेमेन उसके अंदर मिलेंगी दे आर ऑल सक्सेस ठीक है ना दे आई मीन नोबेल बहुत बड़ा एक प्राइज है ठीक है ना इट्स ह्यूज ह्यूज रिकोगशन ऑफ सम लेकिन uh, इसमें कहाँ उनकी जो सुन उनकी बॉडी uh, इस इस चीज़ से Uh, उन्होंने अटैक किया नहीं की डेफिनेटली बिकॉज इट ओनली फोकस ऑन द ऑन दी नॉलेज दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड ठीक है ना तो मसला ये है कि हम uh, उस विमेन की डिफरेंट जो है ना बॉडी uh, को डिफरेंट तरीके से सेल आउट करने की कोशिश करते हैं बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट और इट्स वेरी लेस के वी टॉक अबाउट द आइडियाज दैट हैव कम फ्रॉम ए वमेन ठीक है ना तो बहुत बहुत कम है मीडिया बहुत कम इस तरह करता है नेक्स्ट पॉइंटिंग सैटरडे संडे स्पेशल ग्लॉसी एडिटोरियल ऑफ विमेन विमेन्स लेजर फैशन ब्यूटी एंड अदर लग्जोरियस न्यूज़ आइटम्स विद एरोटिक फोटोग्राफ्स आर इश्यूड फ्राम टाइम टू टाइम कि अगर आप सैटरडे संडे के मैगजीन्स को देख लें आप उसमें देखेंगे कि मेजोरिटी जो पेजेज हैं वो विमेन के ऊपर होते हैं और द वे देव पोर्ट्रेड वेमेट इट्सफाई द नीड ऑफ़ मैन ठीक है ना वो उसको वही कि उनका जो है ना फैशन के प्रोडक्ट्स को आउट करने के लिए उनकी बॉडी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है उनकी ब्यूटी को किस तरह से किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और द वे द मीडिया टेक्स पिक्चर लाइक फोटोग्राफी जिस एंगल से की जाती है उसमें इराटिक uh, जो पार्ट uh, है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट uh, करता है सारे उसमें ठीक है तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा एक नेगेटिव इन्वॉल्व uh, है कि वाई मीडिया बिकम्स ए टूल फॉर द एडवर्टाइजर्स के वो उसके कहने के ऊपर वो जेंडर का एक नेगेटिव जो पोर्ट्रेल है उसको उसको री uh, इन्फोर्स uh, करता है ठीक है विमेन आर जनरल जनरली पोर्ट्रेड इन एडवर्टिजमेंट्स एज होम मेकर डिपेंडेंट ऑन ऑन मैन वाइल मैन वर पोर्ट्रेड एज़ डोमिनेंट अथॉरिटेटिव फिगर्स वेरी इंपॉर्टेंट अब यहाँ इस इस पॉइंट के अंदर ज़्यादातर रोल्स की बात आ रही है कि अगर हम एडवर्टीजमेंट्स भी देख लें अपने जो अखबारों के अंदर नजर आ रही है तो आपको आप अगर एनालिसिस करें मुख्तफ एडवर्टीजमेंट का तो आपको सिर्फ तस्वीरों से ही पता चल जाता है कि विमेन को कौन कौन सा रोल दिया गया है ठीक है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चाय का इश्तहार है तो चाय बनाने का काम जो है वो औरत कर रही होगी दिखाया जाएगा लेकिन चाय पीने का काम जो है वो डेफिनेटली मर्द को दिखाया गया है दैट मीन्स दैट शोज़ के मर्द को जो है ना एक एक डोमिनेटिंग एक पोजीशन के ऊपर वो रोल दिया गया है ताकि नज़र आए कि विमेन जो है वो सबमिसिव है अगर चाहे हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई के साथ इसका एनालिसिस नहीं करते सो देर इज़ अ हिडन मैसेज ठीक है ना वो हिडन मैसेज यही है कि हम अपना एनालिसिस बार बार करें कि यार क्यों हम ऐसा करते हैं कि औरत को हमने एक सबमिसव uh, रोल दिया हुआ है ठीक है देन कम्स प्रिंट मीडिया कंटिन्यूज टू एडव टू एडवाइज वेमेन हाउ टू लुक बेटर लूज वेट अपील टू मैन कुक नाइस मील्स मेंटेन रिलेशनशिप्स कीप होम क्लीन एंड केयर फॉर फैमिलीज तो ये वही दोबारा से रोल्स की ही बात है कि इन सारी एडवर्टीज़मेंट्स में ये चीज़ें आपको बार बार नज़र आती हैं इस किस्म के मैसेजेस जो हैं वो आपको बार बार नज़र आते हैं कि आपने कैसे अच्छा दिखना है अपना वेट लूज़ रखना है ताकि आप आ, आ, आप ख़ूबसूरत लगे हमेशा ठीक है अपील में कि आप जो मर्द है उसको अपील करें कुक नाइस मील्स कि आप घर के अंदर रहें और सिर्फ खाने बनाएँ अच्छे अच्छे खाने बनाएँ ठीक है और फिर इस किस्म के स्टेरोटाइप्स ये है कि मर्द के दिल तक का रास्ता उसके पेट से या उसके पता नहीं कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है कि अच्छा खाना बना सकेंगी तो आप उसके दिल पे राज हो मतलब इस तरह के स्टीरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है ठीक है ना तो इन्हीं को बार बार मीडिया भी इसी तरीके से दिखाता है तो री होते हैं इस तरह के स्टीरियोटाइप्स मेनटेन रिलेशनशिप के अपने जो रिश्ते हैं वो मेनटेन करना आपकी जिम्मेदारी है कीप होम क्लिन घर को साफ रखें एंड केयर फॉर फैमिली सो फैमिलीज़ की का ध्यान करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है सो so, इस किस्म के रोल जो है ना वो मीडिया बार बार री करता है बट सिर्फ यही उनकी जिम्मेदारी नहीं है बहुत सारे काम और भी वेमेन करती हैं वो मीडिया उस तरफ बहुत कम आ, उस, उसकी बात करता है ठीक है इज़ दैट क्लियर तो ये लार्जली एक पिक्चर हमारा जो है ना इस पूरे टॉपिक की यही है हम अब आगे थोड़ा सा चल के इस पर और भी बात करेंगे अभी तो हम सिर्फ प्रिंट के हवाले से ज़्यादा फोकस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी बात करेंगे और फिर हम डिजिटल मीडिया इसमें मैं आपको ये नहीं कि सारी चीज़ें मैं ही आपको पढ़ाऊँगा मैं इसका थोड़ा फॉर्मेट ऐसे होगा कि जैसे आज मैं आपको थोड़ा प्रिंट के हवाले से ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जो एडवर्टीज़मेंट्स जो प्रिंट के अंदर आती है या विमेन का पोर्ट्रेल जो मैगज़ीस के अंदर है या डाइजर्स के अंदर है या जो डाइजेस्ट के अंदर जो कंटेंट लिखा जाता है उसके अंदर जो विमेन जिस तरह से प्रेजेंट की जाती है उसकी थोड़ी सी हम बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक uh, मीडिया का पार्ट है वो आपने करना है ठीक है वो क्लास आपकी जो पार्टिसिपेशन uh, uh, है वो उसकी आप समझ लें कि एक, एक तरह की आपकी असाइनमेंट होगी ठीक है आपने आपने जाके सिर्फ आपने जाके कुछ इश्तहार देखने हैं ठीक है अपने यूट्यूब पे देख लें या टीवी पे आप देखते होंगे डेली आप उसकी लिस्ट में आए कि मैंने ये इश्तहार ये ये देखा और उसके अंदर इस किस्म के रोल्स थे वेमेन के ठीक है अब मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि आपने सिर्फ एक नेगेटिव uh, एंगल से ही देखना पॉजिटिव एंगल से मीडिया इसका मतलब ये नहीं कि uh, हर चीज़ ही गलत होती है मीडिया के अंदर बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं जो बड़े पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रहे हैं तो वेमेन का रोल उन्होंने डिफरेंट करके दिखाया है कोशिश की है कि आल्टरनेट एक व्यू भी क्रिएट किया जा सके ताकि बैलेंस आए और आस्ता आस्ता जो है वो इस चीज़ को फिज़ल आउट किया जाए जिस तरीके से मीडिया एक तरीके से पोर्ट्रे करता आया है वेमेन को ठीक है जी क्लियर तो ट्रेडिशनल रोल्स एंड मीडिया पोर्ट्रेल्स थोड़ा सा देख लेते कि विमेन को जब पोर्ट्रे करता है आ, हमारा मैगज़ीन मीडिया या प्रिंट मीडिया तो ज़्यादातर उसको किस किस्म के रोल दिए जाते हैं पोर्ट्रे किस तरह किया जाता है ठीक है विमेन की पहले बात कर लेते हैं कि आ, विमेन इज़ प्रेजेंटेड एज सेक्स ऑब्जेक्ट इन मैगज़ीन्स न्यूज़पेपर जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि उसके फीचर्स इस तरीके से दिखाया जाता है मीडिया इस, तर, इस एंगल से चीज़ों को प्रजेंट कर रहा होता है जिससे एक इरोटिक पिक्चर वेमेन की ज़्यादा बन के नज़र आती है टू प्लीज़ ऑडियंस, ठीक है ना उस ऑडियंस में ज़्यादातर जो टारगेट होता है ये है कि उसके उस इस सारे ऑब्जेक्टिफिकेशन के साथ एक एडवर्टाइज़र ने अपनी प्रोडक्ट को टैग किया हुआ है उसकी बॉडी के साथ और एंड में मैसेज चलता है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदें ठीक है बट प्रोडक्ट तो चलो बेचना उसका अपना हक हाँ है लेकिन जिस तरीके से वो बेच रहा है वो सही नहीं है तो इस पर बहुत क्रिटिसिजम है फिर मीडिया uh, के अंदर टॉक आई मीन ज़्यादातर जो प्रिंट मीडिया के अंदर जो स्टोरीज़ भी आते हैं या कंटेंट या फिर एडिटोरियल लिखे जाते हैं या फिर कुछ स्टोरीज़ लिखी जाती हैं जैसे कि आप अखबार जहान में वेमेन के हवाले से स्टोरियाँ आप परफेक्ट एग्जांपल एक मैं आपको दूँ यहाँ पर उस वाले से तो आपने अक्सर वो पढ़ी होंगी जो जिन्होंने डाइजेस्ट या अखबार जहाँ मैगजीन्स को पढ़ा है जब पढ़ते हैं तीन औरतें तीन कहानियाँ एक बहुत बहुत पुराना एक एक सिलसिला चला आ रहा है वाकिफ़ हैं इससे हाँ तो उस इन कहानियों का आप एनालिसिस अन, कर लेना कभी पढ़ के देख ले तो विमेन का आपको यही सारे रोल नज़र आएंगे कि वो किसी रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश कर रही होगी ठीक है वो अपने घर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही होगी अपने बेचारी मसाइल में उलझी होगी उसको विक्टम दिखाया गया होगा बहुत सारा मतलब प्रेजेंट किया गया हो, उस स्टोरी के अंदर या फिर आप जो इमेजेस जो मैगजीन्स के अंदर या अखबारों के अंदर छपते हैं विमेन के उसमें भी आप स्टोरीज़ जिस तरीके से लिखी जाती हैं उन इमेजेस जैसे कि मैं कि एक एक एक, एक अखबार के अंदर पिक्चर आई है और नीचे कैप्शन जो लिखा हुआ उस पिक्चर का उसमें जो लैंग्वेज जिस तरीके से यूज़ की गई है उसके अंदर वेमेन को विक्टिम दिखाया गया है अब्यूज़ का दिखाया जाता है एग्ज़ाम्पल uh, मैं कैसे आपको एक पर्टिनेट एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोट कर कहाँ से कर सकता हूँ uh, खसूस जो लोकल पेजेस होते हैं ना मुख्तलिफ अगर आप एडिशन देखें अखबारों के तो उसके अंदर जो लोकल पेजेस होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारी स्टोरीज़ और इमेजेस छपते हैं जिसमें ख़वात को आ, खेतों में काम करते हुए दिखाया जा रहा था खसूसा अगर आप साउथ पंजाब में चले जाएँ पंजाब के आ, और अपर पंजाब के भी जो सेंट्रल पंजाब है हमारा उसके भी दही इलाकों पर चले जाएँ तो वहाँ पर जब ये गंदम कटाई का और बवाई का या आ, चावल की काश्त का सिलसिला जब चल रहा होता है तो उस वक्त बहुत सारी खौतान को सिर्फ उसकी जो तस्वीर छपती है वो यही छपती है कि वो ये चावल लगा रही है पैडी उसको जो है ना वो ग्रो करने के लिए उसको ज़मीन के अंदर दबा रही है या फिर उसको खेतों में जो है ना हाथों से का काम काटते हुए मतलब हाथों से गंदम काटते हुए दिखाया जा रहा होता है तो वो एक, एक बड़ा विक्टिमाइज़ किया जाता है इसके इस चीज़ को भी हालांकि ये तो बड़ी एम्पावरमेंट की बात है लेकिन उसके मुकाबले में मर्द की जो तस्वीर चलती है ट्रैक्टर पर बैठे हुए इसको दिखाते हैं ठीक है थीके? तो वो हमेशा विक्टम ही नज़र आती है आपको बहुत सारे तरीक़ों से और स्टोरीज़ के अंदर भी इसी तरीके से उसकी जो रोल को बार बार लिखा जाता है जिसके अंदर वो हमेशा सबमिसिव ही रहती है अपने काउंटर पार्ट जो उसका जेंडर का काउंटर पार्ट है मैन नेक्स्ट पॉइंट भी वही है सब आल्टीनेट पोजिशन के हमेशा उसको मर्द के माता है दिखाया जाता है पैसिविटी एंड सेक्शुअल अवेलेबिलिटी जो कि एक पूरी एक आर्ग्यूमेंट है उसकी रिसर्च है मैक्रोबी की 1996 में छपी थी आप इसको अगर मजीद एक्सप्लोर करना चाहें इस पॉइंट को तो मैंने उसके आगे रेफरेंस किया हुआ है इस पॉइंट को अगर आपने सबमिसिव रोल की बात जब हम करते हैं बार बार तो मुख्तलिफ इसने पोजिशन ये किस किस्म की सोसाइटी के अंदर पोजिशन जो हैं वो वेमेन को अलॉट होती हैं और किस किस तरीके से उन्हीं पोजिशन पर काम करते हुए वेमेन को अखबारों के अंदर पोट्रे किया जाता है ये पूरा एक अनालस मौजूद है उसका इसके अंदर फिर एक सैद हैं उनकी दो हज़ार छः में एक रिसर्च आई उसमें उसने बहुत ज़्यादा वेमेन के ग्लैमरस पार्ट उसके जो उसका जो एक रोल्स हैं जिनके आप पीछे बहुत ज़्यादा बात करके आ रहे हैं अभी उसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा लिखा है दैन नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट हाउ वीमेन आर ड्रेस्ड अप फॉर ब्यूटी एंड अट्रैक्शन किस तरीके से uh, आपके मैगजीन्स वेमेन को बताते हैं कि तुमने किस किस तरीके से फैशन करना है किस किस किस्म के कपड़े पहनने हैं ठीक है ताकि तुम ज़्यादा खूबसूरत लगो और क्यों खूबसूरत लगो बेसिकली ताकि तुम मैन को अट्रैक्ट कर सको मैन मैन को प्लीज़ कर सको ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट अगेन जो हमने पहले बात कर ली हुई है बेसिकली मैगजीन्स इंफ्लुंस बाय कैपिटलिस्ट आइडियालॉजी यूज़ विमेन बॉडीज़ एज टैग्स सॉरी मैंने स्पेल गलत लिखे हुए एज टैग्स टू सेल देयर प्रोडक्ट ठीक है कि वो विमेन की बॉडी के साथ अपनी प्रोडक्ट को टैग कर देंगे ताकि उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके और ये कैपिटलिस्ट आइडियालॉजी है जिसकी हमने पिछले टॉपिक के अंदर भी बहुत ज़्यादा Uh, जब हम एकेडमिक डिस्कोर्स की बात कर रहे थे तो उसको डिस्कस किया था इसके बरक्स जो रोल्स और जो पोर्ट्रेल्स मैन का आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के अंदर मिलता है वो भी uh, देख लेते हैं वो कैसा है सो साइंटिस्ट कम्युनिकेशन साइंटिस्ट व्हेन ही स्टडीड द रोल्स विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर सो ही ही सीज़ दैट मैन आर ऑलवेज पोट्रेड एज एग्रेसिव एंड सक्सेसफुल इन पब्लिक लाइफ और ये उस उसने जोड़ा है मेस्कुलिटी के साथ कि मेस्कुलटी की जब भी पोर्ट्रेल uh, की बारी आती है मैन की पोर्ट्रेल की बारी आती है तो हमेशा मैन को अग्रेसिव दिखाया गया है एग्रेसिव पावरफुल एंड सक्सेसफुल ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैन अपियर फुली क्लोथ अपीयर कॉन्फिडेंट एंड डिग्निफाइड और ये भी ये भी वही बेसिकली स्टडी है जो कि ऊपर एक पॉइंट वेमेन के हवाले से आया था कि वेमेन को ग्लैमरस दिखाया गया है उसकी ब्यूटी और अट्रैक्शन के हवाले से बात की जाती है या उसको प्रेजेंट पोर्ट्रे किया जाता है मेन uh, को उसके मुकाबले में फुली ड्रेस दिखाया uh, दिखाया जाता है और पब्लिक uh, स्पेसेस में वो जब जाता है जैसे कि मीटिंग्स हैं प्रेजेंटेशंस देनी है तो उसको बड़ा सूटेड बूटेड और बड़ा ख़ूबसूरत इस इस तरीके से उसको उसकी ब्यूटी को पोर्ट्रे किया जाता है जबकि उसके बरक्स अगर वेमेन की हम बात करें तो उसके जो ड्रेसअप है अगर हम पाकिस्तानी कल्चर की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कपड़े इन सेंस के कमीज़ें शॉर्ट होंगी और बड़ी टाइट होंगी और उसके जो फ़िज़िकल फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसको प्रोमिनेट करने की कोशिश की जाती है जो कि विमेन एक्चुअली जैसे ना वो सीखती है वो जिस तरीके से उसको मीडिया पोर्ट्रे करता है तो वही सोसाइटी में भी रिफ्लेक्ट होती है और बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी से मीडिया के अंदर रिफ्लेक्ट होती है तो इट्स वाइस वर्सा ठीक है मैन आर अप फॉर इकॉनमी के वही बात के जब भी मैन ड्रेसअप होना है तो उस, उसके पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक मोटिवस uh, होते हैं कि उसने किसी से मीटिंग करने जाती है जाना है बिजनेस के लिए जा रहा होगा प्रेजेंटेशंस के लिए जा रहा होगा या इस किस्म की चीज़ें जहाँ पर वो मनी मेकिंग कर सकता है तो दैट आल्सो शोज कि हाउ मैन इज कंट्रोलिंग द इकानमी इज सो सो देर इज़ ए लिंक हेयर सो दीज आर द ट्रेडिशनल रोल्स एंड मीडिया प्रोट्रेल्स ऑफ रोल्स सो इफ देर इज़ एनी क्वेश्चन इफ़ यू वॉन्ट टू एड एनी यू कैन डू राइट नाउ

आ, रिपोर्ट मतलब कौन कर रहा है मैं बता रहा हूँ फैमिलिस्ट कर रही है ना ये आपके सामने जो सारी जो स्टडीज़ आ रही है फैमिलिस्ट ही आपको बता रही हैं मसला ये है कि आपका एडवर्टाइज़र जो है ना उसके पास है पैसा उसके पास है बड़ी फैक्ट्री उसके पास है बड़ा ब्रांड ठीक है ना अब वो वो ब्रांड चलाने के लिए वो फिर वो कहता है कि नहीं मेरी जो इश्तहार है ना इस प्रोडक्ट का उस वो चाहे वो मर्दाना ही प्रोडक्ट क्यों नहीं है उसमें खातून लाजमी नज़र आनी चाहिए और ख़ातून नज़र भी आनी चाहिए और उसने इस तरीके से एक्सप्रेशन देने हैं कि होंडा का की जो होंडा का जो मोटरसाइकिल है उसकी जो गद्दी है उसके ऊपर ऐसे हाथ फेरना है जैसे वो किसी की कमर पर हाथ फेर रही हो ठीक है तो ये आपके एडवर्टाइज़र की डिमांड है और इसी तरीके से फिर मीडिया उसकी डिमांड को पूरा करता है और फिर वो फिर इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं आपको ठीक है ना अब रेज़र का इश्तहार है जो कि जो पहला ब्लेड ब्लेड करे चांद दूसरा चुन और तीसरा चचा चचा तो वो उस तरह के इश्तहारों में भी जो है ना फिर आपको औरत ही नज़र आती है कि वो इस तरह हाथ फेरती है मुँह के ऊपर और पता नहीं क्या करती है और वो ये इस किस्म के जो सेक्शुल एक्सप्रेशन क्रिएट करना ये मीडिया का मसला है मीडिया को यहाँ पर रजिस्ट करना चाहिए कि वो हर बात एडवर्टाइज़र की ना माने और दूसरी बात अब हम आपका जो पॉइंट वो ये सारा काम खातून खुद कर रही होती है अब खातून को वो भी तो इसी सिस्टम में जकड़ी हुई है ना वो खातून वो ढूंढ लेते हैं कि कौन सी वो नीडी है वो ज़रूरतमंद खातून को देख उनको पता होता है कि कहाँ पर ज़रूरतमंद जिसको पैसों की भी ज़रूरत है जिसको फेम की भी ज़रूरत है जिसको अपने, अपने करियर भी इसको बिल्ड करना है तो वो उसको ढूंढ लेते हैं और फिर उसे कहते हैं कि तुमने तुम्हें हमारे एडवर्टीजमेंट में रोल या इस फिल्म में रोल मिलेगा तब कि तुम आइटम सॉन्ग सॉन्ग करोगी या इस तरह का इश्तिहार बनाओगी तो फिर वो क्या करे उसको तो सिर्फ चाहिए होता हैं सॉरी आवाज़ आपकी कट गई

अच्छा, ना रही है दोबारा हम आर ड्रेस्ट अप फॉर इकॉनॉमी मैन अपन अगर तैयार होता है अच्छे कपड़े पहनते हैं ना तो उसको एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा रहा होगा कि वो किसी मीटिंग में जा रहा है मीटिंग में जा रहा है तो दैट मीन के वो बिज़नेस कर रहा है और उसको इस तरीके से उसको उसके एक्सप्रेशन उसके उसको वो रोल दिया जाता है जिससे पता हो कि यार वो सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहा है इकानमी के लिए उसको पैसा पैसे के पीछे भाग रहा है ठीक है तो उसका जो एक रोल है कि वो इकानमी को कंट्रोल करे चाहे वो घर में हो बजट को कंट्रोल करे चाहे वो बिज़नेस को कंट्रोल करे वो उसको उस रोल में दिखाया जाता है उसके बरक्स ख़ातून को किस रोल में दिखाया जाता है कि वो उसकी उसी उसी मैन की सेक्रेटरी होगी पर्सनल असिस्टेंट होगी ठीक है या रिसेप्शनिस्ट होगी वो इस किस्म के रोल्स में उसको दिखाया जाता है और वो इस किस्म के रोल्स में भी फिर उस वो अगर बैठी होगी किसी उसमें या एज अज सेक्रेटरी काम कर रही होगी किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तो फिर उसको जब दिखाने की बारी आएगी तो उसने मिनी स्कर्ट पहनी होगी या फिर बहुत टाइट किस्म के कपड़े पहने होंगे सलवार के भी पहनी होगी और गले में दोपट्टा तो लिया हुआ होगा और उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होंगे कि वो इंटाइस कर रही होगी अपने ही बॉस को और इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है ठीक है जी सर ठीक एनी अदर क्वेश्चन चलिए अब हम उस रिसर्च पे आ रहे हैं जिसकी मैंने आपको शुरू में रेफरेंस दिया है ये तो सारा का सारा एक इंट्रोडक्शन था ना अब इस रिसर्च पे आते हैं इसकी फाइंडिंग्स को देखते हैं ये रिसर्च है जी इसका टाइटल है जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन पाकिस्तान प्रिंट मीडिया पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया ठीक है इट्स बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस बाय हाज़िरला अहसन ख़ान अमारा इब्राहिम ठीक है इसमें से आ, दो तीन दो लोग तो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हैं और एक जो एसन है वो मिडल सेक्स यूनिवर्सिटी लंडन का ग्रेजुएट है और ये रिसर्च पब्लिश कहाँ हुई है मिडल सेक्स यूनिवर्सिटी के जर्नल के अंदर इस रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या है पहली फाइंडिंग है मेल एंड फीमेल कवरेज इन प्रिंट मीडिया आर विमेन आर अंडर रेप्रजेंट अंडर रेप्रजेंटेशन ठीक है अंडर रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि अगर मर्दों और औरतों का मुजन किया जाए पाकिस्तानी मैगज़ीज जा अखबारों को देखा जाए तो जहाँ जहाँ मर्द दिखाए गए हैं और और जहाँ जहाँ औरतें दिखाई गई हैं उसी अखबार के अंदर उसी पेज के ऊपर तो उनको काउंट कर लिया जाए टोटल नंबर में तो उसमें बहुत बड़ा गैप नज़र आता है और उनकी रिसर्च के मुताबिक जो उनका एक रेंडम सैम्पल था उन्होंने जो अखबार चूज़ किए तीन चार और मुख्तलिफ़ डेट्स के अखबार रेंडमली उन्होंने चूज़ किए तो उसमें उन्होंने फिर मर्दों और औरतों को काउंट देखा तस्वीर के अंदर तो उसमें आपको उनको पता चला कि उस उन पूरे सैंपल के अंदर 155 दफ़ा ख़वातन को दिखाया गया और उसके बरक्स एक बार मर्दों को दिखाया गया तो विमेन आर अंडर रिप्रजेंटेशन अंडर रिप्रजेंटेड एक बहुत बड़ा गैप है इक्वालिटी यहाँ पर भी नज़र नहीं आ रही अगर हम कहें कि टोटल नंबर जो है वो तेरह कुछ है या चौदह सौ बनता है तो चौदह सौ में से अगर हम कहेंगे कि छः सौ सात सौ इस तरह का कोई है कंपैरिजन या रेशो तो फिर हम कह सकते हैं कि वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी लेकिन यहाँ पर मामला यह है कि एक तरफ मर्द बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट हुए हैं और वेमेन दूसरी तरफ उसके बरक्स बहुत अंडर रिप्रेजेंटेशन है उनकी फिर वो स्पोर्ट्स का कंटेंट का एनालिसिस की बात करता है कि ये रिसर्चर्स बात करते हैं अपनी इस फाइंडिंग के अंदर वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर प्रिंट मीडिया के आप अगर पेजेस देख लें तो वहाँ पर ऐसा तासर मिलता है एक ऐसी चीज़ आपको प्रपैचुएट होती हुई नज़र आती है कि जो स्पोर्ट्स हैं उसमें मैस्कुलिनिटी की हेजमनी है कि मैस्कुलज आर हेजमोनिक ऑर्डर इन सोसाइटी ठीक है कि इस सोसाइटी के अंदर ऐसा तासर जाता है कि सिर्फ स्पोर्ट्स जो हैं वो मर्दों के लिए हैं औरतों के लिए नहीं है और ये फाइंडिंग किसकी है कियान की कियान भी एक रिसर्चर है ठीक है वो फर्दर आर्ग्यू करता है इन टर्न कम्युनिकेट्स ए स्ट्रॉग मैसेज दैट स्पोर्ट्स स्पोर्ट इज़ मैन प्रगटिव कि मर्द ही स्पोर्ट खेल सकता है ऐसा तासर मिलता है जबकि ऐसा हकीकत में ऐसी चीज़ नहीं है ये सिर्फ मीडिया इस तरीके से आ, आ, दिखा रहा है चीज़ों को और प्रिंट मीडिया की वो बात कर रहा है अगली फाइंडिंग उनकी है वो कहता है कि मीडिया इज़ री इन्फोर्सिंग डोमेस्टिक आइडियालॉजी मैन फॉर द पब्लिक एंड वेमेन फॉर द प्राइवेट डोमेन्स के औरतों को घर में ज़्यादा दिखाया जा रहा है मीडिया इस तरीके से प्रेजेंट करता है और मर्दों को पब्लिक डोमेन में दिखाया जाता है कि वो बाहर जाएगा मीटिंग्स करेगा ऑफिस में जाएगा लोगों से सोशलाइज़ करेगा सब कुछ जबकि औरत को उसके वो जो स्ट्योरटिपिकल रोल्स हैं कि घर के अंदर घरदारी बच्चों को पालना सफाई करना ठीक है इस तरह की चीज़ें और फिर, फिर नीचे कहता है प्रिंट मीडिया पोल पॉलिटिक्स एज़ मेंस प्रगेटिव कि अगर हम सियासत की बात करें तो पाकिस्तानी अखबारों में और मैगजीन्स के अंदर आपको सियासत का जो शोबा है वो भी मैन का प्रिरोगटिव नज़र आता है कि ये शोबा सिर्फ मर्दों के लिए है ये मीडिया इस तरीके से दिखाता है वो कैसे इस चीज़ को ये आर्ग्यू कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया है अखबारों का और मैगजीन्स का एनालिसिस किया है उसी तरीके से जैसे हमने पहले बात की रैंडमली सिलेक्टेड अखबार हैं और उनमें मैन एंड वीमे मैन पॉलिटिशियंस एंड वीमे पॉलिटिशनस को काउंट किया गया है तो तीन दफ़ा मर्द पॉलिटिशन नज़र आए हैं और ओनली फोर्टी जो हैं वो विमेन पॉलिटिशन uh, नज़र आई हैं और इंटरेस्टिंगली इसमें भी 47 जो वेमेन का जो फिगर है इसके अंदर भी विमेन जो एक्चुअली है इन रियल लाइफ वो 22 हैं 22 पॉलिटिशन हैं लेकिन दो दो दफ़ा या तीन तीन दफ़ा नज़र आई हैं क्योंकि जिस टाइम पे ये स्टडी हुई है उस टाइम पर जो उनका सैम्पल था वो था पीपल्स पार्टी का दौर आई थिंक टू थाउजेंड उन्होंने सैम्पल सेलेक्ट किया था स्टडी मेरे ख्याल में ये छपी है दो में तो <coughs> उस सैम्पल के अंदर उस वक्त जो अखबारों में छप रहा था कंटेंट उसमें बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर नजर आती थी और जो मीडिया या हमारी जो जो ब्रॉडकास्टिंग को इंफॉर्मेशन की जो मिनिस्टर थी उस वक्त की फरदोस आशिक अवान उनकी तस्वीर बहुत ज़्यादा नज़र आती थी तो वो बार बार नज़र आती थी एक ही एक ही दिन के अखबार में तीन चार दो 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 तीन दफ़ा उनकी फ़ोटो ज़रूर लगी होती थी इन लोगों की ठीक है तो दिस रेशो इज़ लाइक सेवन परसेंट हायर देन विमेन के मर्द जो है वो सात गुना ज़्यादा नज़र आए हैं औरतों के मुकाबले में फिर मेन पेज की वो बात करते हैं मेन पेज ऑफ ऑल द सेलेक्टेड न्यूज़पेपर पोर्ट्रेट मैन पॉलिटिकल लीडर्स विद कंसरेबल बिग पिक्चर्स विद रेयरली डिपिक्ट एनी विमेन पॉलिटिकल लीडर के जो फ्रंट पेज होता है उसमें जो मर्द पॉलिटिशन हैं उसकी तस्वीर एक तो बड़ी करके लगाई जाती थी और औरतों को उनकी तस्वीर उन बड़ी तस्वीर के नीचे लगाया जाता था ठीक है और वो भी बहुत शाज ना नादर नज़र आती थी उस मेन पेज के ऊपर ठीक है तो ये उनका एक पॉइंट पॉइंट है ये भी उनकी इस फाइंडिंग उनकी रिसर्च से ये चीज़ें उन्होंने एक्सट्रैक्ट की हैं फिर वो चीज़ वो इसेंशलिस्ट की एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसेंशलाइजिंग जो पाकिस्तानी मीडिया है प्रिंट मीडिया इस इसेंशलाइजिंग नर्चरिंग एज विमेन रोल कि जो नर्चरिंग का रोल है वो विमेन के साथ ही जोड़ा हुआ है और इसी तरीके से वो उन्होंने वो पाकिस्तानी मीडिया उसको दिखाया जाता है और एक तस्वीर तस्वीर मैंने बल्कि इस इस हवाले से लगाई भी है या आपको अति को ओढ़ो नज़र आएगी और बच्चों के साथ है दो और दे दिखाया गया कि वो माँ है तो वो माँ वाला जो एक वो है वो तो है सो है उसका लेकिन मीडिया उसको सिर्फ इसी रोल में दिखाता है ये नहीं दिखाएगा कि वो माँ होने के साथ साथ शायद बाहर जाके वो दफ्तर भी जाती है अपना वो काम भी करती है उसका इकनॉमिक रोल है वो ये चीज़ें बहुत काम है और स्टारों के अंदर आपको इस तरह के टाइटल्स बहुत मिलेंगे सुपर मॉम ममता का प्यार जहाँ मामता वहाँ डालडा ये जो लाइंस हैं इस तरह की जो मीडिया के अंदर आप पढ़ते भी हैं देखते भी हैं सुनते भी हैं ये ये खसूस तौर पर विमेन के साथ एसोसिएट कर दिए क्योंकि इनके पीछे आपको जो एक ट्रेडिशनल रोल है वेमेन का उसी रोल में महदूद कर देता है औरत को और वो फिर सारी खवन के ऊपर जनरलाइज़ कर दिया जाता है ठीक है सारी खवतानी घरदारी में ही नहीं होती बहुत सारी खवतानी घरदारी के बजाय बाहर जाती हैं उनके मर्द जो है ना वो घरदारी को संभालते हैं या उन्होंने नौकर रखे होते हैं या मियाँ बीवी दोनों जा रहे होते हैं ठीक है ना तो ये उन चीज़ों को बहुत कम हाईलाइट किया जाता है ठीक है और मीडिया फिर इसी तरीके से जो एक एक जो एक वन साइड वन साइड पिक्चर है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा होता है ठीक है और ये सेंशलिस्ट का नोशन है वो कहते हैं कि देख ले दैट वेमेन आर काइंड हार्टेड कि वो बहुत रहमदिल होती हैं केयरिंग बाई नेचर के बाई नेचर वो बहुत केयरिंग होती हैं देर फोर दे आर द बेस्ट फॉर नर्चरिंग रोल कि जो एक घरदारी या एक जो बच्चों को पालने का इस तरह का जो रोल है वो वो अच्छे तरीके से अदा कर सकती हैं ठीक है तो ये इनकी स्टडी में नज़र आया कि वेमेन अखबारों के अंदर जो वेमेन को जिस तरीके से मुख्तफ रोल्स में दिखाया गया तो वो नर्चरिंग रोम में बहुत ज़्यादा दिखाया गया उनको पॉलिटिक्स में बहुत कम दिखाया गया है स्पोर्ट्स में बहुत कम दिखाया गया है ऑफिस सेटिंग में बहुत कम दिखाया गया है नेक्स्ट वो कहता है कि ऑब्जेक्टिफाई करते हैं जो पाकिस्तानी मीडिया है उसको ऑब्जेक्टिफाई करता है बहुत ज़्यादा और एक तरफ हमने अभी जो अखबारों के मेन पेजेस की बात की है जहाँ पर पॉलिटिक्स की स्टोरीज होती हैं उस तरह के जो रोल जहाँ पर ज़्यादा तस्वीरें इस तरह की लग सकती हैं वहाँ पर ख्वातन नजर नहीं आएंगी आपको खुवान कहाँ मेजोरिटी में नज़र आएंगी मैगजीन्स शोबिस के मैगज़ीन्स के ऊपर फैशन के मैगजीन्स के ऊपर लेजर मैगजीन्स के ऊपर ठीक है और वहाँ पर वो फिर इस तरह की तस्वीरें देख लें जो मैंने सामने आपको आपके प्रेजेंट की और ये ये तस्वीरें इस रिसर्च के अंदर पब्लिश हुई हैं अब आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड को जो पहली तस्वीर है उसमें एक मैसेज है दो दो वर्ड लिखे हुए हैं और फिर बाकी तस्वीर ख़ुद ही बता रही है कि ये किस किस्म के ऐड है गो सॉफ्ट ठीक है अब इस किस्म की तस्वीर इस किस्म का लिबास वो क्या आप उसको मीडिया के अंदर दिखा रहे हैं खातून को ठीक है इसी तरीके से आप एक्सट्रीम राइट पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो एक ड्रेस का एक इश्तहार है ठीक है अब यार आपने ड्रेस का इश्तहार देना तो खाली ड्रेस भी चला सकते हैं हम खाली दिखाना ज़रूर है चले खातून को आपने दिखा भी दिया पहना हुआ अब जिस तरीके से वो बेचारी उसको उसको आपने लेटाया लेटाया हुआ है और वो पता नहीं क्या दिखा रही है समझ नहीं आ रही है हमें ये ऐसा करना ज़रूरी है ये दीज आर द बैड थिंग्स जिस पर वो कहते हैं कि यार इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है ये तो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन है वेमेन की क्या आप उसके बॉडी को इस तरीके से सेल आउट करते हैं प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं साथ में उसकी बॉडी को भी इस तरीके से कर रहे हैं और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कहते हैं कि सम ऑफ़ द पिक्चर्स फोकस ऑन डीमनाइजिंग वेमेन कि वो जो चूँकि औरत भी तो ह्यूमन बींग है ना तो उसको इस तरीके से डीमनाइज़ कर दिया जाता है कि वो इंसान की बजाय पता नहीं क्या क्या लगना शुरू हो जाती है देन कम्स सेक्सिज्म इन वेयर्स के पहनावे में सेक्सिज्म बहुत ज़्यादा है विमेन अप फॉर लेजर आप देख सकते हैं कि जो लॉन का एक इश्तहार है उसमें विमेन uh, को जिस तरीके से लॉन को पहने हुए दिखाया है ड्रेस पता नहीं हम रियल लाइफ में पहनते हो ना पहनते हों लेकिन ये कि हम इस तरीके से उसको दिखाते हैं क्योंकि तो फिर वही ऑब्जेक्टिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और उसके बरक्स मर्द जो है वो आपको बॉसी नज़र आ रहा है ठीक है लिखा हुआ है कि विमेन अप फॉर लेजर मैन फॉर वर्क ठीक है ना तो कितना एलिगेंट दिखाया गया उसको बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाया गया गाड़ी देखें उसके पीछे बड़ी गाड़ी है बड़ी इमारत के साथ पीछे खड़ा हुआ है बैकग्राउंड में बड़ी इमारत है सूटेड बूटेड है वेल ड्रेस्ड वेल हेयर्ड वेल लुक कॉन्फिडेंट And aims for a success because he is holding this briefcase or bag uh, that shows that he is going for a business ठीक है तो इस किस्म के roles media depict करता है any question no sir कोई question नहीं है everything is clear yes, sir. I have a जी please yes, sir. अपना नाम बताएं और question करें मैं जी सर आपने बात की कि प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी दोनों में ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है बस इसमें मेन डिफरेंस पे हम यही कहेंगे ना कि प्रिंट मीडिया में उसकी कवरेज कम है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जहां पे जरूरत नहीं भी है वहां पे भी दिखाया जाता है नहीं नहीं असल में आपको थोड़ा सा आप, आप दोबारा से अपना क्वेश्चन रीफ्रेम करें

अब डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉनिक और मतलब कम्पेरेटिव एनालिसिस क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक और उसका प्रिंट का वो तो अब हम उस पर तब बात करेंगे जब हम आप को जो मैंने आपको कोई काम दिया है कि आप एडवर्टीज़मेंट्स का एनालिसिस करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे और डिबेट करेंगे ठीक है तो फिर हम हमें पता चलेगा कि प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ख़वान की रिप्रेजेंटेशन और पोर्ट्रेट के हवाले से क्या डिफरेंस है सही है वैसे मैं हल्का फुल्का आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें आपको वुमेन बहुत नज़र आएगी लेकिन वहाँ पर ऑब्जेक्टिफिकेशन का सेक्सिज्म का जो एक पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा उसके बरक्स जो कि आप अखबारों में देखते हैं ठीक है ना तो आपको हर 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 एडवर्टीज़मेंट के अंदर ख़ातून नज़र आएगी लेकिन उसका रोल देखने वाला होगा कि वो किस रोल में दिखाई जा रही है और वो क्या पहना आ, पहन के आ रही है वो आ, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी जैसे आखिरी तस्वीर हमने देखी थी मर्द की और औरत की जहाँ पर लोन का इश्तहार चल रहा था और दूसरी तरफ वो मर्द था वो ऑफिस जा रहा था तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी इस तरह के रोल नज़र आएंगे ख़ातून को आप देखेंगे तो वो आपको सबमिसिव रोल में नजर आएगी आपको आपको वो बॉसी रोल में बहुत कम नज़र आएगी वो आपको अब ऑब्जेक्टिफिकेशन करती हुई बहुत ज़्यादा नजर आएगी तो इस तरह की चीज़ें हैं जबकि उसके बरक्स मैन जो होगा वो आपको बहुत एग्रेसिव रोल में बहुत डिग्निफाइड रोल में बहुत एलिगेंट तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है ठीक है, है? लेकिन डिटेल एनालिसिस आप लोगों ने करके लाना है नेक्स्ट क्लास में जी जी कौन बात है मैं जी फिर तो जैसा तो आपने कहा कि अब आ, आ, औरत को साथ शो करते हैं हम उसकी बॉडी शो करते हैं और क्या नाम है इसमें हमें नहीं करना चाहिए हम सिंपल कपड़े भी दिखा सकते हैं लेकिन सर अगर देखा जाए तो एडवरटा एडवरटाइजर भी वही चीज शो करते हैं जो हम लोग मांगते हैं ऑडियंस की ये डिमांड होती है उन्होंने देखना है तो तब ये एडवरटाइजर शो करते हैं अगर ऑडियंस ही मना कर दे तो एडवरटाइजर कहाँ जाएंगे देखिए मेरी बात सुन ये ये जो डिमांड है ना ये गलत तरीके से क्रिएट की है ये डिमांड किसने क्रिएट की है आप तो लेकिन मुझे आगर, बताएं मुझे ये बताएं आ, जो एक कॉन्सेप्ट है हम उसकी बात कर लेते तो एलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लेते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है आ, उसका आइटम सॉन्ग्स का या आइटम सॉन्ग्स का कॉन्सेप्ट ये मीडिया ने इंट्रोड्यूस कराया था ना या हमें हमें हमने लिख के भेजा था कि यार आइटम सॉन्ग्स होने चाहिए जिसमें विमेन इस तरह कपड़े पहन के आए और और ऐसी थ्रिकती हुई बॉडीज़ दिखाई जाएँ उसकी और इस तरह की चीज़ें ठीक है ये, ये चीज़ें हमने अवाम ने तो नहीं लिख के उनको कही ये तो प्रोड्यूसर ने और मीडिया ने क्रिएट किए हैं ताकि उसकी फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा बिके बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा करे उस बिज़नेस की हवाले से उसने ये देखा कि यार क्या चीज़ ज़्यादा बिकती है खातून की बॉडी ठीक है उसने कहा कि इसको इस तरीके से दिखाते हैं इसको इस तरीके से दिखाते हैं इस तरीके से दिखाते हैं तो वो डिमांड अब क्रिएट हो गई है अब हम आदि हो गए हैं अब हम जिस फिल्म में आइटम सॉन्ग ना हम कहते हैं चासी नहीं आई बेकार सी तो वही बात है ना कि वो अगर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो या तो एक्सेप्टेंट या रिजेक्टेंट हमारे पास है ना जैसे हमने पीछे भी आपने थ्योरी में बताया था जो रेस और जेंडर वगैरह है इसमें आपने बताया था ना कि अगर पब्लिक जो है वो पैसे नहीं है ऑडियंस पैसे नहीं है अब वो बोल सकते उसे पता है क्या एक्सेप्ट करना है क्या रिजेक्ट करना है तो ये तो हमारे अपने ऑनर ना कि हम जब यही चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मीडिया इसी को दिखाएगा ना हम उसी से एक्ट्रेक्ट हो रहे हैं ये हमारे हमारा अपना सारा कुछ है इसमें तो इसमें देखें ना आपको देखना पड़ता है कि एक चीज़ जो मार्केट में आई है चली है मीडिया के ऊपर उसके ऊपर रिव्यूज़ क्या हैं लोग डिस्कस करते हैं ना आजकल तो आपके पास सोशल मीडिया भी अखबारों के ऊपर भी एनालिसिस आते हैं लोग ओपिनियन भी देते हैं तो क्रिटिसिज्म भी हो रहा था ना बहुत सारा और आपको ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात मैं थोड़ा सा और इस तरीके से भी आपको बताता चलूँ कि अपने ही पाकिस्तानी मीडिया के अंदर आप देख लें बहुत सारी ऐसी विमेन हैं जो एक्ट्रेसेस हैं वो कहती हैं कि हम अगर फिल्म के अंदर आइटम सॉन्ग हैं हम नहीं करेंगे बेशक हमें फिल्म ना दें तो अब आसा आस्ता वो रिजेक्शन जो है वो अवाम में तो रिजेक्शन थी ही किसी हद हाँ तक बहुत ज़्यादा मतलब है कि अगर आप मैं उस डोमेन में नहीं जाना चाहता लेकिन बहुत सारी हमारी सोसाइटी है वो डिफरेंट अपने कल्चरल वैल्यूज़ के हवाले से चीज़ों को देखती है ठीक है तो वो चीज़ देख तो लेते हैं लेकिन वो कहता है कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए तो क्रिटिसिज्म है रिजेक्शन है आवाम के अंदर लेकिन अब रिजेक्शन और इससे भी बढ़ गया है कि अब विमेन जो कि पहले ये रोल्स या इस किस्म के आइटम सॉन्ग या इस किस्म की जो तस्वीर बनवाती थी अब वो कहती हैं कि हम इस किस्म के रोल में नहीं आएंगी, आप किसी और से करवा लें ठीक है तो ये ऐसी चीज़ें अब रिजेक्शन में आ, इस रिजेक्शन के इस टर्म्स के अंदर आपको मिलेंगी देखने में आएंगी तो ये तो वही बात होगी ना वही दूसरे को मना कर रहे हैं तो तो पोर्नोग्राफी का बताया था और दूसरे को मना कर रहे रहे हैं हैं खुद रूम में देख हाथ पे लगा के भाई वो तो फिर देखें ना अब अब एक अब आप हर इंडिविजुअल हर की चॉइस पे तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना करना चाहिए मार्केट में हर तरह की चीज़ मौजूद होती है आपको ये देखना है कि आपको अपने लिए वो देखना है या नहीं देखना हर कोई आप देखे ना अगर आइटम सॉन्ग आता है हम में से बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन हम देखते भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि होना ही नहीं चाहिए जी बिल्कुल ठीक है ना अब देखिए ना अब 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 फैमिलीज़ में आप मैं कहूँ कि एक मूवी आई है आप वो फैमिली में बैठ के देखिए उसके अंदर जो है ना वो आइटम सॉन्ग से भरी पड़ी है सनी लियोनी है उसके अंदर तो आप वो फ़िल्म में मुझे बैठ के दिखाएं आप वहाँ भी उसको रिजेक्ट कर देंगे नहीं 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 यार अभी भी बैठी होंगी और अबू भी बैठे होंगे और बहनें भी बैठी हुई हैं नहीं नहीं देख सकेंगे ना आप लेकिन दोस्तों में दोस्तों में दोस्तों में आप कहें कि आप वो वाली फिल्म देख लें बाग़बान कहने यार यार मैं बड़ा हो जा <laughs> कुछ और भी देख लें ठीक है ना तो दोस्तों में इस किस्म आपके सर्कल पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर उठ बैठ रहे हैं आप आपकी जो कल्चरल सेटिंग है उस पर वेरी वो वेरी करती हैं और उस पर आपकी चॉइस भी वेरी करती है ठीक है सर असल में मसला पता कि है कि हमारी सोसाइटी का क्या है बल्कि ह्यूमन नेचर है हमेशा वैल्यूज़ को हम दो एक्सट्रीम एंड्स पे देखते हैं दो एक्सट्रीम एंड्स क्या हैं बैड और गुड पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक है ना ये चीज़ें हैं और इसी के अंदर ही रह के फिर हम हमारा सारा जो लाइफ स्टाइल है जो चॉइसेस हैं और रिजेक्शन हैं उसी के अंदर रहती हैं बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके लिए एक टाइम पे जाकर पॉजिटिव हो जाती हैं बिल्कुल मतलब आप आ, हमारा लॉ तो कहता है ना कि नशा और ये सारी चीज़ें वो भी हमारे लॉ के मुताबिक ये सारी चीज़ें है लेकिन अब आप पार्टी में बैठे हैं तो पार्टी रिक्वायरमेंट है पार्टी होगी नहीं जब तक तो कि आप आ, उस प्रॉपर मूड में ना आए और उसको उस मूड को क्रिएट करना पड़ता है तो लोग फिर उस तो मूड को तो 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 क्रिएट तो करने तो के तो लिए फिर पता नहीं क्या कुछ नहीं करते हैं ठीक है ना तो फिर वो वही चीज़ जिसको आप कह रहे होते हैं कि यार हमारे एज अ होल सोसाइटी के लिए बुरी है आप उसके हवाले से एडवोकेसी कर रहे होते हैं कि यार सिगरेट नहीं पीना और कैंसर हो जाता है ये हो जाए शराब नहीं पीनी फलाना हो जाता है डमकाना हो जाता है और लेकिन फिर आप ख़ुद ही जो है ना एक ख़ास सेटिंग में जाके फिर वो सारे काम करते हैं सो इट 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 डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस बिल्कुल में Any else? Else? <laughs> जी जी excused. सर, सर, नाम होगा मैं किया। ये आपकी जाके गूगल की जो प्रोफाइल है जहाँ पर आपने ये जो भी लिखा हुआ है आपने ये वहाँ जाके मेरे भाई आपने चेंज करना है ठीक है तो फिर इधर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा Thank you.